सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफस्टाइल ऑफ दुबई प्रिंस। जी हाँ, दुबई के जो प्रिंस हैं हमदाद बिन मोहम्मद, उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे। उनके पास क्या, कितनी कार्स हैं, कौन सी कार्स हैं, उनके हाउस, वाइफ, नेटवर्थ, उनके जो प्राइवेट जेट हैं, वो सब के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। हमें पता ही है कि वो लोग तो बहुत ही रिच हैं, और वैसे दुबई के प्रिंस हैं तो रिच हैं, उनकी लाइफ भी लग्जूरियस ही होगी, मीन्स होगी क्या, है ही है। और इनको मैं लिंक्डइन पे भी फॉलो करती हूँ, और लिंक्डइन पे इनके 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इतने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, और ये एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई पोस्ट वहाँ पर डालते रहते हैं लिंक्डइन पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनका लाइफस्टाइल डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भले ही दुबई के क्राउन प्रिंस हो, लेकिन इंस्टाग्राम के वो किंग है। हमदान अपनी बिलियनर लाइफस्टाइल और शानो शौकत के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हम फजा के नाम से भी पहचानते हैं। बता दें कि हमदान दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के दूसरे बेटे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शेख हमदान के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको शेख हमदान पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमदान का पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है, और इनका निकनेम फजा है। हमदान का जन्म 14 नवंबर 1982 को दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ, और 2021 के हिसाब से ये 39 इयर्स के हैं। हमदान ने स्कूलिंग दुबई के राशिद प्राइवेट स्कूल से की, जिसके बाद इन्होंने दुबई स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एडमिशन लिया और फिर रॉयल मिलिट्री एकेडमी संदुष्ट ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमदान पढ़ाई करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक चले गए। अब बात करते हैं शेख हमदान के करियर के बारे में। दोस्तों, सितंबर 2006 में शेख हमदान को दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया, और 1 फरवरी 2008 को हमदान को दुबई का क्राउन प्रिंस के लिए अपॉइंट किया गया, और साथ ही साथ इनके छोटे भाई मोहम्मद अल मक्तूम को डिप्यूटी रूलर ऑफ दुबई के लिए अपॉइंट किया गया, और बाद में हमदान को की पर्सनल और फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया। दोस्तों, हमदान HN कैपिटल LLP के हेड भी हैं, और साथ ही साथ अपने पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद के बिजनेस को संभालने वाले में हमदान सबसे यंग है, और हमदान दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल और दुबई ऑटिज्म सेंटर में बैठते भी हैं, और हमदान दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 का हिस्सा भी थे, जब दुबई को इसे होस्ट करने के लिए अवार्ड दिया गया था, और इसी दौरान हमदान बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर गए और UAE का फ्लैग लगाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमदान एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी है, और हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के फाउंडर भी हैं, जिसे इन्होंने 2011 में लॉन्च किया। फोटोग्राफी के शौकीन होने के साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जुनूनी एथलीट भी माना जाता है, क्योंकि साल 2016 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इंडोरेंस कप के दौरान हमदान ने 160 किलोमीटर की घुड़सवारी बिना रुके की और जीते भी। हमदान को अपनी शान शौकत और बिलियनर लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। अपनी लाइफस्टाइल और खासकर घूमने की तस्वीर वह इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमदान को जानवरों और चिड़ियों से बहुत लगाव है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जब एक चिड़िया ने उनके मर्सिडीज कार पर घोंसला बनाया तो हमदान ने उस कार को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, ताकि चिड़िया आराम से अपना परिवार बढ़ा सके। और एक वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला था, जिसमें कार में बसी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दिख रही है। और हमदान को कविता लिखने का भी काफी शौक है, और हमदान अरबी में कविता लिखते रहते हैं, जो उनके चाहने वाले के बीच काफी पढ़ी जाती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना शेख हमदान यानी फजा आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको शेख हमदान की फैमिली से। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, और इनकी माँ का नाम है हिंद बिंत मक्तूम बिन जुमा अल मक्तूम। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शेख हमदान 12 भाई बहन हैं। वहीं बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम है शेखा बिन सईद बिन थानी अल मक्तूम, जिनसे इन्होंने 2019 में शादी की, और इनके दो ट्विंस बच्चे भी हुए 2021 में, जिनका नाम राशिद और शेखा है। अब बात करते हैं हमदान के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, वैसे हमदान के पास आज दुनिया भर में कई जगह पर घर है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ दुबई के शेख मोहम्मद पैलेस में रहते हैं, जिस महल की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है, और इस घर में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है, और काफी जगहों पर गोल्ड भी यूज किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं बात करें हमदान के कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों, हमदान को कार का काफी शौक है, और इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कार भी है। इनके पास लेक्सस XUV है, जिसकी कीमत है 64,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 70 लाख रुपए।
और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज AMG SLS जिसकी कीमत है 2 लाख US डॉलर और इंडियन करेंसी में 2,94,00,000 रुपए। और तीसरी कार इनके पास है रेंज रोवर जिसकी कीमत है 1,77,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 2 करोड़ रुपए। और इनके पास मर्सिडीज AMG G63 भी है जिसकी कीमत है 1,47,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 2,19,00,000 रुपए। और दोस्तों इनके पास 3 मर्सिडीज AMG G63 है जिनमें 2 ब्लैक कलर में है और 1 व्हाइट कलर में। और इनके पास बेंटले बेंटेयागा भी है जिसकी कीमत है 2,00,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 3,85,00,000 रुपए। और इनके पास दोस्तों ला फरारी भी है जिसकी कीमत है 2.1 मिलियन US डॉलर और इंडियन करेंसी में 14,65,00,000 रुपए। और इनके पास एक रेंज रोवर भी है जो गोल्ड में है जिसकी कीमत है लगभग 5 मिलियन US डॉलर और इंडियन करेंसी में 35,00,000 रुपए। और इनके पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी भी है जिसकी कीमत है 7.5 मिलियन US डॉलर और इंडियन करेंसी में 54,00,000 रुपए। और दोस्तों हमदान के पास एक वाटर कार भी है जिसकी कीमत है 1,40,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 1,00,000 रुपए। और हमदान के पास डेविल 16 भी है जिसकी कीमत है 1 मिलियन US डॉलर और इंडियन करेंसी में 7,50,000 रुपए। और दोस्तों इनके पास रोल्स रॉयस घोस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस रेथ और रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूपे भी है। दोस्तों इनके टोटल रोल्स रॉयस कलेक्शन की कीमत लगभग 30,00,000 रुपए है। और दोस्तों हमदान के पास 6 लंबरगनी वेनेनो रोडस्टर है जिसकी कीमत है 27 मिलियन डॉलर जो इंडियन करेंसी में 197,00,000 रुपए होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बताया हमदान एनिमल लवर है तो इनके पास दुनिया के सबसे महंगे कैमल है जिसकी टोटल कीमत लगभग 19,00,000 रुपए है। और हमदान को हॉर्स से भी बहुत प्यार है और इन्होंने एक हॉर्स खरीदा था जिसकी कीमत 22,00,000 रुपए है और बाद में फिर हमदान ने 2 और हॉर्स खरीदे थे और उनमें से एक हॉर्स की कीमत लगभग 14,00,000 रुपए थी। दोस्तों हमदान के फार्म हाउस पर हॉर्स और कैमल के अलावा टाइगर और जिराफ से लेकर कई सारे एनिमल है। वहीं बात करें इनके होटल के बारे में तो दोस्तों हमदान का दुबई में एक होटल भी है जिसका नाम पाल्म जुमेरा जबील सराय है और इस होटल की कीमत लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर है जो इंडियन करेंसी में 1,463,00,000 रुपए होते हैं। बात करें हमदान के यॉट के बारे में तो दोस्तों हमदान के पास एक सुपर यॉट भी है जिसमें हर तरह के ऐशो आराम मौजूद है जिसकी कीमत 70 मिलियन डॉलर है जो इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 525,00,000 रुपए। बात करें इनके प्राइवेट जेट की तो दोस्तों हमदान ज्यादातर अपने पिता के जेट में सफर करते हैं। इनके पास बोइंग 747 है जिसकी कीमत है 233 मिलियन यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी में 1,750,00,000 रुपए। बात करें सिर्फ और सिर्फ हमदान के नेटवर्थ की तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 400 मिलियन यूएस डॉलर जो इंडियन करेंसी में लगभग 3,000,00,000 रुपए होते हैं। तो दोस्तों ये थी शेख हमदान यानी फजा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब क्या क्या बोलें, इतना मतलब इतना इनके पास में पैसा है, इतनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। ऑब्वियसली प्रिंस हैं, प्रिंस की तो लाइफ का कहना ही क्या, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव कार भी हैं इनके पास में। मतलब इनकी अगर जो सस्ती कार भी है ना वो भी अगर 2-3 कार बेच दें तो मतलब एक नॉर्मल बंदे की लाइफ सेट हो जाती है पूरी, जिसमें वो अपना सब कुछ ले लेगा, एक अपनी कार ले लेगा घर के लिए, एक घर ले लेगा और आराम से जिएगा, थोड़ा बहुत फिर भी बच जाएगा उसके पास और वो सेविंग कर सकता है। एक लैम्बोर्गिनी उनकी 54 करोड़ की, बंदा इंडिया में रहकर अगर 25-26-30 लाख वाली भी कोई कार ले लेता है तो सोचता है कि खुश हैं, मतलब बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम कर लिया। लाइक बहुत बड़ी बात है कि मेरे पास में, मैंने अपनी गाड़ी में इतना इन्वेस्ट कर दिया। लाइक मेरे पास जो गाड़ी है हैरियर वो 22 लाख ऑलमोस्ट 22-23 लाख कॉस्ट करी थी, तो मुझे लगता था मतलब बस ठीक है, मतलब इस मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है गाड़ी में। लेकिन यार क्रोर्स मतलब कहाँ से आता है इतना पैसा, कहाँ से लाते हैं ये लोग, मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए कि इतना पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा, मतलब सो पैसा, उठो पैसा, खाओ तो पैसा, नहाओ तो पैसा, पैसा 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 पैसा। और इतना लग्जूरियस घर है उनका, मतलब ऑब्वियसली उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो गोल्ड की हैं। आम बंदा कहाँ ही सोचता है गोल्ड वगैरह, बंदा सोचता है कि थोड़ा सा किसी के घर में अगर 500 ग्राम गोल्ड भी है तो ठीक है, मतलब बहुत हो गया 500 ग्राम ठीक है। एक नॉर्मल बंदा 500-600 ग्राम ही
500-600 ग्राम ही गोल्ड ले सकता है, इससे ज्यादा तो कहाँ ही, मतलब नॉर्मल बंदे की बात कर रही हूँ जो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल है, बस सैलरी पे ही डिपेंडेंट है और उस सैलरी से ही उसे अपने घर चलाना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है, स्कूल फीस है बच्चों की, घर के बाकी सब खर्चे हैं, एक घर नहीं जुड़ पाता बंदे को, कि बंदा सोचता है अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स की जायदाद में से कोई घर नहीं मिला तो बंदा बस स्ट्रगल कर करके सोचता है कि यार 1-1.5 करोड़ का एक घर आ जाए, बस 2 करोड़ का घर आ जाए, क्योंकि इससे नीचे तो आजकल कुछ मिलता भी नहीं है। तो मतलब 2 करोड़ का घर बंदा सोचता है कि बस मोर देन इनफ होगा, 20-25 लाख की अगर गाड़ी हो जाएगी मोर देन इनफ है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ऐसी लग्जूरियस लाइफ एक सपना ही होता है। बहुत ही अच्छी वीडियो है और मतलब दिल में कुछ कुछ सपने और क्या बोलूँ भावनाएं जाग रही हैं कि काश थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा होता हमारे पास भी, कि हम लोग इतना नहीं लेकिन चलो कुछ तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है ना। मतलब ऐसी ऐसी लाइफ देख के, मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी ये वीडियो देख के, कि मतलब इतना पैसा, इतनी कार हैं, जितना मैं क्या बोलूँ, मतलब उन्हें जो भी पसंद आता होगा हाथ रखते होंगे, चलो ये भी कार मेरी, वो भी कार मेरी, है ना। बहुत ही अच्छी लाइफ है यार, क्या ही बोले, मेरे पास तो मतलब वर्ड भी नहीं मिल रहे मुझे आज, मैं क्या ही बोलूँ इस वीडियो को देखने के बाद में। बाकी मैं इन्हें लिंक्डइन पे फॉलो करती हूँ, वहाँ पे वो इनके कोई ना कोई हमेशा पोस्ट डालते ही रहते हैं, इनका ये वाला पोस्ट जब इनके ट्विंस हुए थे वो भी इन्होंने वहाँ पे अपडेट किया था, उसके बाद में जो कार वाली बात बताई थी कि वहाँ पे खिचड़ी आ गई थी वो भी लिंक्डइन पे इन्होंने पोस्ट किया था, तो ऑलमोस्ट हर जगह ये मतलब अपनी अपडेट्स भेजते रहते हैं कि आज मैंने ये किया या आज मैंने वो किया। इनका तो मतलब अगर स्वेट भी कभी होता होगा उसके लिए भी एक नौकर खड़ा रहता होगा हैंक के लेके कि चलो सर जल्दी से आपका फेस क्लीन करना है। मतलब देखो ऐसा क्या किया इन्होंने कि इतना पैसा ही पैसा इनके पास आ गया, माँ बाप की प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी ट्रिक्स होती हैं या ऐसा क्या किया जाए कि वो जल्दी पैसा बन जाए। हार्ड वर्क तो कहते हैं लोग, मतलब जॉब भी जो करते हैं या जो बिजनेस भी करते हैं, तो हर बंदे को बिजनेस में भी इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना होता है। ये तो यार बाप दादा की जो प्रॉपर्टी होती है उसी से इतनी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं बंदे, अदरवाइज तो कहाँ ही इतनी जल्दी पैसा, इतना ज़्यादा पैसा आता है, या तो कोई चमत्कार हो जाए। तो बहुत अच्छी लाइफ है, ऐसी लाइफ इंशाल्लाह वो रब सबको दे और सब अच्छे से सुकून की ज़िंदगी जिए। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर सडनली आपको ऐसे पैसा मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मतलब क्या एक्शन होगा आपका सबसे पहले पैसा मिलने के बाद में, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए मुझे। और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।